वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना व महसूलात डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल, खुर्दनी तेल और गंदम की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल किए जाएंगे। बहुत जल्द पाकिस्तान में घी और खुर्दनी तेल की कीमत में 100 से 150 रुपये फ़ी किलो कमी आ जाएगी। मईशत मुश्किल सूरत हाल से निकल कर इस्तेकाम की राह पर गामजन है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल्स के नंबर इन ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अभी राबता नहीं हुआ। नए आर्मी चीफ की तैनाती से इन्हें कोई मसला नहीं है, जल्द इलेक्शन ही मसाइल का हल है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, मुझे अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम ने कहा है कि पहले खवातीन को हिरासा करते हैं, फिर पेश भी नहीं होते। जस्टिस जावेद इकबाल के वारंट जारी करना चाहता हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश कर दी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह के साथ हमारे दौर में ज्यादती हुई, इनके खिलाफ NAF ने झूठा केस बनाया। काबीना मीटिंग में मैंने इतराज किया था तो ANF के ओहदेदार इजलास छोड़कर चले गए थे। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरफ से मुबैना तौर पर जिनसी हरासानी का शिकार तैयबा गिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लर्जाखेज इनकशफात कर दिए। APC के तलब करने पर तैयबा गिल पेश हुई और अब रुदाद बयान की। उन्होंने बताया कि DG नैब शहजाद सलीम के कहने पर मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे नंगा किया गया। नैब के पास कोई लेडी स्टाफ भी नहीं है, मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया गया।